इंडो नेपाल वनडे क्रिकेट सीरीज के पहले मैच में इस स्पोर्ट्स एकेडमी ने भरतपुर क्रिकेट टीम चितवन को 41 रन से हराया। मुख्य अतिथि लोकेश यादव ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। भिवाड़ी के अलोर बाईपास पर खिजूरीवास टोल प्लाजा के पास स्थित एसएस स्पोर्ट्स ग्राउंड पर गुरुवार को इंडो नेपाल एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज का शुभारंभ हुआ। एसएस स्पोर्ट्स अकेडमी के संचालक अरविंद यादव ने बताया कि नेपाल के चितवन जिले के भरतपुर क्रिकेट टीम व एसएस स्पोर्ट्स अकेडमी के बीच गुरुवार को 3 वनडे मैच की सीरीज का पहला मैच खेला गया। मुख्य अतिथि युवा नेता लोकेश यादव ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद सिक्का उछाल कर टॉस करवाया। एसएस अकेडमी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। दोनों देशों के राष्ट्रगान के बाद मैच शुरू हुआ और एसएस स्पोर्ट्स अकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 269 रन बनाए। एसएस अकेडमी के बल्लेबाज श्रेयस ने 88 व अमृत ने 75 तथा अनुज ने 35 रन का योगदान किया, जबकि भरतपुर क्रिकेट टीम के गेंदबाज दीपेश किरजन व बाबूराम ने 2-2 विकेट हासिल किया। उधर 270 रन के लक्ष्य पीछा करने उतरी नेपाल की क्रिकेट टीम 40 ओवर में 228 रन पर सिमट गई। नेपाल की ओर से आकाश ने 77, कमल ने 40 व रोशन ने 36 रन का योगदान किया। एसएस स्पोर्ट्स अकेडमी के गेंदबाज हिमांशु तिवारी ने 5 वाकिब ने 3 विकेट हासिल किया। प्रतियोगिता के आखिरी 2 मैच शुक्रवार व शनिवार को खेले जाएंगे। एसएस स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम में सोनू कप्तान, श्रेयस, अमृत, अनुज शर्मा, प्रिंस, नितिन गुप्ता, साहिल, हिमांशु तिवारी, आकिब, रोहित, दुष्यंत, उमेश व अभिषेक शामिल थे, जबकि भरतपुर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दीपेश श्रेष्ठा कप्तान, गौतम केसी, कमल थापा, हेमराज पौडेल, उत्सव श्रेष्ठा, आकाश त्रिपाठी, किरजान गुरुंग, विकल के गुप्ता, प्रसाद बगाती, बाबूराम भट्टराई व रामकृष्ण करकी शामिल थे। यहाँ बता दें कि नेपाली टीम में कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी खेल रहे हैं। भिवाड़ी के खेल प्रेमियों को नेपाल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का मौका मिला है। क्रिकेटर दीपेश श्रेष्ठा 2016 में आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुके हैं और फिलहाल नेपाल की राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी हैं। दीपेश ऋषभ पंत सहित कई भारतीय क्रिकेटर के साथ खेल के मैदान पर गुजार चुके हैं। वहीं क्रिकेटर गौतम केसी भारत के खिलाफ हैदराबाद में नेपाल की तरफ से अंडर-19 प्रतियोगिता में खेल चुके हैं। इसके अलावा 6 खिलाड़ी स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हैं। नेपाल में क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और संदीप लामिछाने के IPL में खेलने के बाद युवा क्रिकेटर बनना चाहते हैं।